अंतर्गत आने वाला ग्राम सरहाई में शिव पार्वती की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला सामने आया है, जहां इस घटना को लेकर सराय के लोगों में काफी रोष देखने को मिला। लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो वहीं थाना प्रभारी अशोक कुमार शर्मा का कहना है कि हम इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को जल्द ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर में असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश बना हुआ है। तो वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि वे जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। आपको बता दें, इस पूरी घटनाक्रम के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की और पुलिस पर इस मामले पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। परिषद के सदस्य दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। जी दीपक, मंदिर में मूर्ति तोड़ने का मामला है, ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला है, लेकिन इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं पुलिस का रवैया ढुलमुल नजर आ रहा है। हाँ, पुलिस का रवैया ढुलमुल है। हमारी अभी एडिशनल एसपी सुनील सिवारी जी से बात हुई है, उनने हमें 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन में आरोपी को किया जाएगा और मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा की जाएगी। अगर नहीं की गई तो 2 दिन में विश्व परिषद आंदोलन करेगा। जी दीपक, कितने दिन पुरानी ये घटना है? अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस पूरे मामले पर? हो गए हैं, पुलिस ने हमको आज आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अगर हम आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आप जो भी करें, हमने 2 दिन का समय दिया है और 2 दिन में पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में आक्रोश है, समाज में आक्रोश है, हम आंदोलन करेंगे इसके लिए। जी दीपक, क्या लगता है आपको कि ये जो घटना को अंजाम देने वाले जो असामाजिक तत्व हैं, ये गांव के ही हैं या फिर कहीं बाहर के आए हैं, जिन्होंने एक मतलब हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ये सब किया है? जी, असामाजिक तत्व हैं जो समाज में और समाज का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, समाज में लड़ाई पैदा करना चाहते हैं। समाज का शांति का जो वातावरण है हमारे जिले में, उसमें शांति के वातावरण को बनाना चाह रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्व हैं, इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हैं, किसी भी हो, आरोपी नहीं बचना चाहिए। हम आरोपियों के खिलाफ हैं। आरोपियों को अगर 2 दिन में नहीं पकड़ा गया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, आज हमारी बैठक हुई है, हमने तैयारी की है, हम आंदोलन करेंगे। जी दीपक, ये जो मंदिर में मूर्ति तोड़ने का मामला है, ये जो मंदिर है सार्वजनिक मंदिर है या किसी निजी मंदिर में ये तोड़फोड़ की गई? नहीं, ये सार्वजनिक मंदिर राय का है, शंकर का मंदिर है। दीपक हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ एडिशनल एसपी भी जुड़े हुए हैं, सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। सुनील जी, मंदिर में मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया, अब तक पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रही है इस पूरे मामले पर? इसमें जितने भी संदिग्ध हैं उन सब लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो भी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन घटना हुए काफी दिन हो गए हैं और कहीं ना कहीं ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इसमें लापरवाही बरत रही है, पुलिस का जो ढुलमुल रवैया सामने आ रहा है, क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत हुई है इस पूरे मामले पर, को पुलिस को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। नहीं, हमने तत्काल एक्शन लिया हुआ है, हमारी पुलिस लगातार वहां पे कैंप कर रही है और जो भी है 1-2 दिन में उसका खुलासा करते हैं। जी सुनील जी, अभी तक क्या कुछ सामने आया है प्रारंभिक जांच में? इसमें लगता है कि असामाजिक तत्व का हाथ है, जो समाज में एक जो सामंजस्य बना हुआ है उसको खराब करना चाहता है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं होने देगी और हम शीघ्र ही आरोपी को उसमें पकड़ेंगे। जी लेकिन सुनील जी, कई बार ऐसा भी होता है कि जो शराबी होते हैं शराब के नशे में इस तरह की घटना को अंजाम दे जाते हैं, लेकिन ये भी पता नहीं होता कि वह कहाँ से आए, क्या इस तरह का कुछ मामला प्रतीत हो रहा है ये? नहीं, इसमें तो हम पहुंच जाएंगे, काफी कुछ हमारे समझ में आ गया है,
हमारे इंटेलिजेंस में है। जी सुनील जी, कब तक इस मामला का खुलासा हो जाएगा? क्या लगता है आपको, जो ये असामाजिक तत्व है गांव के हैं या गांव के बाहर से? जल्द से जल्द कर लेंगे, जल्द से जल्द कर लेंगे। जी सुनील जी, हमारे साथ दीपक मिश्रा विश्व हिंदू परिषद के भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपने सुना होगा अभी एडिशनल एसपी हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही जल्द इसका खुलासा कर दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी इंडिकेट कर दिया कि उनकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है, बहुत कुछ सामने भी आ चुका है। तो क्या लगता है आपको कि जो पुलिस कह रही है, जो उनका आश्वासन है, वो सटीक है? हाँ, मुझे भी उन्होंने आश्वासन दिया है अभी आपके बात होने से पहले एक घंटा पूर्व फोन पर कि हम दो दिन का हमें समय दीजिए, दो दिन हम केस करेंगे, आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। जी दीपक, कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया है आप लोगों ने? नहीं, दो दिन की बात है जी। अगर पुलिस मामले की जांच पड़ताल नहीं कर पाई, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो क्या आपके द्वारा क्या कुछ प्रदर्शन किया जाएगा, और कौन कौन शामिल रहेंगे आपके इस प्रदर्शन में? नहीं, आंदोलन किया जाएगा, पूरी समाज हमारे साथ है, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से धरना, प्रदर्शन, बाजार बंद, जो जो हमको जरूरत होगा वो सारे आंदोलन किए जाएंगे। जी धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। धर्मेंद्र वर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। जी धर्मेंद्र, मंदिर में मूर्ति तोड़फोड़ का मामला, पहले आप मामला बताइए क्या है पूरा? देखिए, सबसे पहले जब सुबह ग्रामवासियों ने देखा तो मंदिर में मूर्ति खंडित हालत में पड़ी हुई थी, जिसको देखकर ग्रामीणों में खासा रोष पैदा हो गया। जाहिर सी बात है, ये धार्मिक आस्था का सवाल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो मूर्ति खंडित किसने की, किसने तोड़ी वो मूर्ति? इस बात का प्रमाण या कोई सबूत या कोई व्यक्ति का नाम गांव वालों की नजर में नहीं है, इसलिए केवल वो आक्रोशित होते रहे, हंगामा करते रहे और ये आरोप लगाते रहे कि मूर्ति खंडित की है, तो किसने की है, इस बात को लेकर पुलिस को कोसते रहे लगातार। लेकिन फिलहाल अभी तक ये प्रामाणिक तौर पर सामने नहीं आ पाया है कि आखिर वो कौन से असामाजिक तत्व है जिन्होंने उस मूर्ति को खंडित किया है। जाहिर सी बात है कि ये जो भी लोग हैं, जो भी असामाजिक तत्व हैं, ये सामाजिक तौर पर जो हम शांति सौहार्द पूर्ण वातावरण की बात करते हैं, उस वातावरण को ये भंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अभी हमने एडिशनल एसपी सुनील कुमार से भी बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने भी, उनका भी यही कहना था, कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है और शायद ये जानबूझकर की गई घटना है। जी बिल्कुल, ये हो सकता है कि ये जानबूझकर की गई घटना हो, लेकिन जहां तक आरोप लग रहा है पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है। ऐसे मामलात में शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए पुलिस भी सूझबूझ के अपने रवैये को अपनाते हुए ऐसे संगीन मामलों के लिए जो है अपनी कार्रवाई करेगी। आनंद भवन में कोई कार्रवाई कर देना समाज के लिए, उस ग्रामीण क्षेत्र के लिए, धार्मिक आस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस है। अभी तक जो कौन से असामाजिक तत्व है जिन्होंने ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिया है, ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आई है। जी धर्मेंद्र, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।